एक्चुअली कल भी पूरा दिन शॉपिंग में ही निकल गया, और ईशान दादा ने वो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स भी तो दिए थे ना, वो भी सॉल्व करने हैं, तो अगर घर पे रुकूंगी तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। अगर तू घर पे रह के पढ़ाई करना चाहती है तो अच्छी बात है, मैं काम करूंगा। वापस आने के बाद ना मैं सारे आंसर्स चेक करूंगा, ओके? क्या अनवी, अब तू भी नहीं चलेगी? और कौन नहीं आ रहा है? हाँ ईशान, वो सवी ने मुझे बताया कि वो हमारे साथ नहीं आए। क्या सवी ने मना कर दिया फिर से? नहीं, इस बार वो इतनी खुशकिस्मत नहीं है जो खुद मना करके तमाशा करे। अब उसे इनवाइट ही नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने तो पूरी फैमिली को इनवाइट किया था ना। उन्हें ऐसा लगा होगा कि परेशानियों की जड़ को अपने घर बुलाकर घर में तमाशा क्यों करें, इसीलिए सभी को इनवाइट नहीं किया गया है। लेकिन आपने कुछ कहा क्यों नहीं? आपको उनसे कहना चाहिए था ना कि सभी को आना ही चाहिए, सभी को इनवाइट करना चाहिए, आफ्टरऑल वो हमारे घर के सदस्य है। और हालात चाहे जैसे भी हो, हमने सबके सामने स्वीकार किया है ना कि वो मेरी पत्नी और आपकी बहू। हाँ, लेकिन मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ उन्हें? आखिर मेजबान तय करेगा ना कि मेहमान कौन होगा, राइट? नहीं अक्का साहब, बात अगर परिवार की है तो आपको आपको उनसे कहना चाहिए था कि सभी को इनवाइट करें, क्योंकि इस घर में अगर समाज के नियमों को कोई सबसे ज्यादा ध्यान रखता है तो वो आप हैं अक्का साहब। अगर कोई पति को इन्वाइट कर रहा है फैमिली फंक्शन में तो पत्नी तो ऑटोमेटिकली आएगी, ऐसे कैसे घर पे अकेला छोड़ के जा सकते हैं उसे अक्का साहब? अरे रहने दीजिए सर। मेरा खुद का भी मन नहीं है आने का, तो मैं यहाँ अकेली ठीक। ओह बेचारी सवी, अगर ये नहीं जाएगी तो वो साड़ी जो ईशान दादा ने दिलाई थी वो कब पहनेगी? क्या बकवास कर रही है, ये साड़ी कहाँ से बीच में आ गई? साड़ी बीच में नहीं आई दादा, मैं लेकर के आई। एक्चुअली मुझे ना गवार का भ्रम तोड़ना था, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि वो साड़ी इसने खुद खरीदी थी, पर ऐसा नहीं है। आपको भी अच्छे से पता है ना, मैंने बिल चेक किया था, उसमें 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा आपने पे किया है उस साड़ी के। इनफैक्ट मैंने उनको कॉल करके भी कंफर्म किया है। सॉरी दादा, सरप्राइज था क्या? मैंने सरप्राइज खराब कर दिया। I'm sorry. सवी, सवी मेरी बात सुनो। ये हर बार इतनी ओछी हरकत करना जरूरी है तेरे लिए? चलो तमाशा शुरू। एक बात ठीक नहीं लगती, लोग इतना नाटक क्यों करते हैं? बहुत स्वाभिमानी होने का नाटक करके और फिर करते वही है, पति के पैसे पे याश करते हैं।